नमो नमः। अध्यस्य वर्गस्य विषयः अस्ति छन्दो मञ्जरी द्वितीयस्तबकः। अद्य अहं पाठयामि वंशस्थ छन्दः। द्वितीयस्तबक का पहला जो छंद जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमने जो इसमें से छाटा है, द्वादश कहते हैं वंशस्थ छन्दः। द्वादशाक्षरा वृत्ते पंचमं दश भेदाः कहते हैं, जिसमें जगन तगन जगन और रगन, यानी कि बदंती वंशस्थ विलम जतौ जरौ का लक्षण है। बदंती वंशस्थ विलम जतौ जरौ यस्य चतुर्थ चरणेषु जतौ जरौ क्रमेण जगनः तगनः जगनः रगनः च भवेत् तद वंशस्थ विलम नाम वृत्तम्। ऐसे को छंद को वंशस्थ छंद कहते हैं, अर्थात जिसके चारों चरणों में क्रमशः जगन तगन जगन और रगन हो उसको वंशस्थ विल, उसी को वंशस्थ या वंशस्थ वृत्त भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं वंशस्थ छंद। वसंत तिलका छंद वसंत तिलकम वृत्तम कहते हैं, गेयम वसंत तिलकम तब जा जगौगहा, गेयम वसंत तिलकम तब जा जगौगहा। यानी कि इसमें हम लोग देखते हैं कि यस्य वंशस्थ के बाद हम लोग पढ़ते हैं, इस छंद का नाम है वसंत तिलका। वसंत तिलकम तिलकम वसंत तिलकम वृत्तम। इसमें हम देखते हैं तवजा का तगन भगन जगन जगन और गुरु कहते हैं कि तगन आदि गुरु अंते दौलघु, फिर भगन कहते हैं आदि गुरु इसमें जो है गुरु गुरु और इसमें जो है लघु आएगा, इसमें जो है गुरु फिर लघु, जगर में जो है पहले लघु फिर गुरु फिर लघु, जगर में पहले लघु फिर गुरु फिर लघु और ये गुरु गुरु कहते हैं। गेयम गेयम वसंत तिलकम वसंत तिलकम वसंत तिलकम गेयम वसंत तिलकम तब जा जगौ गहा जगौ गहा, ये इसका लक्षण है। कहते हैं यस्य चतुर्षु चरणेषु तब जा जगौ गहा, अर्थात तगण भगण जगण जगण तथा दो गुरु वर्णों भवेतां तत् वसंत तिलकम नाम वृत्तम। उस छंद को वसंत तिलकम छंद कहते हैं, जिसमें जो है तगण भगण जगण जगण और गुरु गुरु अर्थात गेयम वसंत तिलकम तबजा जगौगा। इसमें जो है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगा भी इसको कहते हैं। सिंहोन्नवद्ये मुदिता मुनिकारस्तपेन उद्धर्षणीति गदिता मुनिशैतवेन रामेन से मुदिता मधुमाव धवीति। इस छंद को हम लोग ऐसे जानते हैं। अब देखते हैं शिखरणी छंद। कहते हैं कि छंदोपमंजरी के द्वितीय स्तबक में सबसे इंपॉर्टेंट छंद जो है, अब देखते हैं शिखरणी को। शिखरणी शिखरणी शिख हरिणी शिखरिणी शिखरणी छंद छंद इसका जो लक्षण है कहते हैं ये सप्त सप्तदश अक्षरा वृत्ति, यानी कि 17 अक्षरों का सप्तदश दशाक्षरा वृत्ति ही, ये सप्तदश अक्षर वृत्ति वाला है। इसका लक्षण है रुद्रेश छिन्ना तब जा यमन शभला गह शिखरणी। कहते हैं रसय रुद्र छिन्ना यमन सभला गह शिखरणी। ये छंद का लक्षण है छात्रों। कहते हैं कि यस्य चतुर्षु चरणेषु यमन, पहला क्या हो गया यमन सभला गह शिखरणी,
या मा ना शा भा ला आ गा। कहते हैं या से हो गया आपका यमन, मा से हो गया मकर, इन हो गया नगण, अस से हो गया सगण, भा से हो गया गण, और ये हो गया लघु, और ये हो गया गुरु। कहते हैं कि रस जो होते हैं, रस सड रसा होता है, सड रसा यानी रस जो है छह प्रकार के हैं, षड रसा यानी कि छह वर्णों के बाद यति होगी। इसके बाद जो है रुद्र, रुद्र की संख्या जो है ग्यारह, एकादश है, एकादश यानी ये ग्यारह, इसके बाद ग्यारह पे होगी, और छ और ग्यारह को मिलाएंगे तो सत्रह वर्ण हो जाएगा। तो कहते हैं इसमें जो है, कहते हैं कि जिसके, कहते हैं कि रसय रुद्र छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी यस चतुर्थे सुचरणे सु यम न स भला गह यगण मगण नगण सगण भगण लघु तथा गुरु च वर्ण भवे तत् शिखरणी नाम वृत्तम अस्मिन् रसे रुद्र छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी। आप देखते हैं शाकुंतलम का द्वितीय सर्ग का जो है दसवां श्लोक जो है, कहते हैं अनाघ्रातम पुष्पम किसल मलोणम कर दुहै अनाविधम रतनम मधुनव मना स्वादित रसम रसै रुद्र छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी अखंडम पुण्याणाम फलमिव तद्रूपमनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि। आप किसी भी पद को उठाएंगे उसके साथ आप जो है रसे रुद्र छिन्ना यमन सबला गह शिखरणी। इस छंद को हम लोग इस तरह से जानेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण जाता है। तत्पश्चात अस्ति मंदाक्रांत छंद मंदाक्रांत अम्बुधिरसन गैर्मो भणौतौ य गग युग्मम यानी मगन भगन नगन तगन तगन और गुरु गुरु। कहते हैं यस चतुर्थु चरणेषु क्रमेण मगण भगण नगण तगण तगण गुरु तथा गुरु गण भवे तद मंदाक्रांता नाम वृत्तम अस्मिन् चतुर्भिः षड्भिः सप्तभिश्च वर्णः यति भवति। कहते हैं जिसके प्रत्येक चरण में मगन हो, भगन हो, नगन हो, तगन हो, नगन गुरु गुरु वर्ण हो, उसको मंदाक्रांत छंद कहते हैं। इसमें चार छह सात वर्णों पर यति होती है। जैसे आप देखिए मंदाक्रांत छंद में एक दो पूरा मंदाक्रांत छंद में लिखा गया, कहते कश्चिद कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात परमता सापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्ये न भर्तु यशाश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योद केसु स्निग्ध छाया तरु वसतिम रामाद्रियम आश्रमेषु। तत्पश्चात द्वितीय स्तवकस्य अस्ति छन्दः शार्दुल विक्रीडित छन्दः शार्दुल विक्रीडित छन्दः अस्मिन् छन्दस्य किम् अस्ति सूर्यस्य भीमः सजौ च ताता गः शार्दुल विक्रीडितम् अर्थात पहले मगन फिर सगन फिर जगन फिर सगन फिर तगन तगन और अन्ते गुरु अस्ति। कहते हैं यस चतुर्थु चरणेषु क्रमेण नगन मगन शगन जगन फिर सगन तगन तगन गुरु च वर्ण भवे तत् शार्दुल विक्रीडित छन्दः नाम वृत्तिम अस्मिन् सूर्य द्वादशाभिः अश्व सप्तभिश्च वर्णयति यानी सूर्य जो है बारह और अश्व जो है सात यानी कि बारह और सात वर्णों पर इसकी यति होती है। टोटल इसमें उन्नीस वर्ण होते हैं जिसके चारों चरणों में क्रमशः मगन सगन जगन सगन तगन तगन और गुरु वर्ण हो उसको जो है शार्दुल विक्रीडित छंद कहते हैं। इसमें बारह और सात वर्णों पर यति होती है। इसमें हम शाकुंतलम के बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है चौथे सर्ग का जो है नौवां श्लोक कहते हैं पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास पीते सुया न
नादते प्रिय मंडनापि भवतां स्नेहेण या पल्लवम् आदौ वह कुसुम प्रवृत्ति समये यस्य भवत्युत्सव सेयं याति शकुन्तला पतिगृहम् सर्वैरणु ज्ञायताम। इस छंद को मैंने इस तरह गाया, नमो नमः पुनर्मिलामः। समय कम है, वीडियो छोटा होता है, हम लोग जीतेंगे, कोरोना भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। जय तो संस्कृतम, बस।